नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों जल्दी करें, जिन लोगों को कनाडा जाना है मेरे से जरूर संपर्क करें, मैं तुरंत आपका काम यूं चुटकियों में करवा सकता हूं। जी हां साथियों, मेरे पास बहुत अच्छा जॉब आया हुआ है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, अच्छी सैलरी है, 2-3 लाख रुपये तुरंत भिजवा दूंगा। जी हाँ, ये मेरे वर्ड नहीं है, सॉरी भाई, ये उन लोगों के वर्ड हैं जो लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना के मोटा पैसा ले लेते हैं। जी हाँ साथियों, एक छोटी सी मैं बात बता दूं, सिर्फ 3 मिनट का। जो लोग विदेश में, यूरोप में, कनाडा जाने की सोचते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे मैसेज ऑफर आते रहते हैं। और कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर फेसबुक, आजकल फेसबुक पेज से, यूट्यूब से, या और कोई बहुत सारे सोर्सेज हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, वहाँ से ऐसे कॉल आते हैं। तो मैं बता दूँ आपको साथियों कि आपके पास ऐसे ऑफर आए, आप ऑफिस में चले गए, ठीक है, तो आपको आपसे 200-500 हज़ार जितना भी उनसे लिया जा सकता है वो ले लेते हैं, ठीक है। आपको 5-7 दिन में ऑफर लेटर आपका आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी मेरे पास देखने में आता है कि आपने कुछ नहीं भेजा, सिर्फ उनको CV भेजी, आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको आपने PDF करी, फिर भी आपका कनाडा से ऑफर लेटर आ जाता है। यार कितनी बड़ी बात है, कोई बिना पैसे दिए कुछ सब कुछ आ जाता है। आपको ऑफर लेटर में सैलरी आती है $2,500, 3-3.5 हज़ार डॉलर, 8 घंटे ड्यूटी, संडे की छुट्टी, कोई पैसा नहीं, आप सिर्फ कंपनी ऑफिस में आके उस ऑफर लेटर पे साइन कर रहे हैं बस। तो आप फिर भागे भागे ऑफिस पहुंच जाते हो, आपसे ऑफर लेटर पे साइन करा के, सर 11,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है हमारी, दे दीजिए 5,000 दे दीजिए। उनको लग जाता है ना, जैसे बंदे का चेहरा होता है वैसे ही वो पैसा मांग लेते हैं, और आप खुशी खुशी दे भी देते। बाद में ऑफर लेटर का पन्ना लेके जेब में आप आ जाते हो घर पे, फिर मेरे जैसा कोई मिल जाता है, ठीक है, या और कोई मिल जाता है, ये देखना है मेरा ऑफर लेटर आया, फिर उसको चेक करते हैं तो हकीकत और होती है जो आप सोच रहे हो। वो 100% एडिट किया हुआ ऑफर लेटर होता है। जी हाँ साथियों, और एडिट भी इस तरह से कि गठिया से गठिया एडिट किया हुआ होता है, कि आप लोगों के लिए तो ऑफर लेटर है, लेकिन जो उस चीज को जानता है, जिस उससे रिलेटेड है, उसको पता होता है, एडिट किए ऑफर लेटर को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि एडिट करने वाले बंदे यहीं बैठे इंडिया में, वो खुद बना के दे देते हैं। मेरे पास रोज आते थे 5-7 अलग अलग कंट्रियों के एडिट किए ऑफर लेटर, ठीक है। अब उस ऑफर लेटर पे आपसे वो 5-10,000-15,000 रुपये ले लेते हैं, बाद में पता चलता है वो फेक है। फेक होने की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, कनाडा खास तौर से ऑफर लेटर, कनाडा के सबसे ज्यादा ऑफर लेटर चलते हैं, एडिट किया हुआ ऑफर लेटर इंडिया लैंग्वेज इंग्लिश में आता है, जबकि कनेडियन इंग्लिश अलग लैंग्वेज में लिखी जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई ऑफर लेटर कनाडा का देता है तो कनेडियन लैंग्वेज अलग होती है, वो इंडियन लैंग्वेज के साथ मेल नहीं खाती, आराम से पता लग जाता है। और उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कनाडा से एडिट करके यहाँ मंगवा ले, इतनी औकात नहीं होती उनकी, इतनी औकात होती तो 5-7-10 हज़ार रुपये नहीं लेते। तो हमेशा नोट करना, अगर आपको ऑफर लेटर मिले हैं तो उसको चेक कर लेना, ठीक है, कि उसमें एडिट किया हुआ वर्ड कहाँ कहाँ से है। कनेडियन लैंग्वेज इंग्लिश अलग होती है, इंडियन इंग्लिश अलग होती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यार, यहां आप दिमाग लगा लो ना कि कनाडा कंपनी कोई भी हो, वो सबसे ज्यादा साली पंजाब में क्यों आती हैं, मेरी ये समझ में नहीं आया। कनाडा सिर्फ पंजाब में ही कंपनियां क्यों आती हैं आपको हायर करने के लिए, चंडीगढ़, मोहाली, ये अमृतसर, वहां ही क्यों जाती है? बाकी इंडिया में, हमारे राजस्थान में एक भी कंपनी नहीं आती कनाडा के लोगों, क्या राजस्थान में लोगों टैलेंट कम है और स्टेट के उनके टैलेंट कम है, वो सिर्फ इंडियन वहीं आती है पंजाब में, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई ऐसी है कि कोई कंपनियां नहीं आती, वो बैठे बैठे लाते रहते हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। एक बात हमेशा नोट करें कि इंडियन कनेडियन कंपनियों को जरूरत नहीं है कि वो चल के वहां से 1-2 लाख रुपए की टिकट का खर्चा करके यहाँ इंडिया आए, यहां से इंटरव्यू लेके लड़कों को वहां लेके जाए, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्टेटों के लड़के वहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट स्टूडेंट वीजा के साथ परमिट वीजा दे देती है, तो वो लड़के ही वहाँ पे बहुत हैं, कंपनी उनको ही हायर कर लेगी ना, आप लोगों की कहाँ जरूरत पड़ जाती है उनको, उनके पास लड़कों के पास परमिट होता है, परमिट लगा हुआ होता है, कंपनी को कितना बेनिफिट होता है, समय बचता है, उनका पैसा बचता है कि परमिट नहीं लगाना पड़ता, तुरंत उनको लड़के मिल जाते हैं, तो वो ही लग जाते हैं ना यार, आपकी कहाँ जरूरत पड़ गई। तो भाई 100% ये चीज़ ऐसे अगर हो तो थोड़ा सा गौर कर लीजिए, इन चीज़ों में फायदा होने वाला नहीं है, आपको नुकसान ही हो जाएगा, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो इतनी जानकारी है इसमें, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे और बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनकी इन वीडियो की जरूरत है, वो ताकि बच सके। चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पर ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।